A very good morning, my dear children. Today we are going to learn English literature. Today we will be starting our class with a story. Today I am going to tell a very interesting story, and the name of the story is The Little Red Hen. So let's start our story. In this story, there were four friends. The little red hen, second is turkey, and the third is a duck, and the fourth one is goose. They were very good friends. Then one day the little red hen sees a bag of flour. Then she decided to take the bag to her home and make cookies. She pulls the bag, but it's too heavy. एक दिन लिटिल रेड हैन ने एक बैग देखा फ्लोर से भरा हुआ. फिर उसने डिसाइड किया कि वो इस बैग को अपने घर तक ले जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने वो पुल करना शुरू किया वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो बैग था वो बहुत ही भारी था. देन शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, विल यू हेल्प मी टू टेक दिस बैग एट होम. और इसके बाद उसने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या आप इस बैग को मेरे घर तक ले जाने में मेरी हेल्प करोगे? गूस सैड नो, आई एम सिटिंग इन द सन. और गूस ने बोला, नहीं मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं धूप में बैठा हूँ. तुर्की सैड आई हैव टू हंट फॉर इंसेक्ट्स. तुर्की ने बोला, मुझे इंसेक्ट्स पकड़ने जाने हैं, सो आई कांट हेल्प यू. द डक सैड नो, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम. डक ने बोला कि मुझे स्विम करने जाना है, इसलिए आई कांट हेल्प यू. देन द लिटिल रेड हैन पुल्स द बैग अलोन एंड ब्रिंग्स इट होम. और वो बैग द लिटिल रेड हैन ने अकेले ही पुल किया और उसे अपने घर तक लेकर आई. Before she making the cookies, she again asked to her friends, will you help me to bake cookies? और cookies बनाने से पहले उसने अपने एक बार फिर friends से पूछा कि इस cookies को बनाने में मेरी कौन help करेगा. The duck said, no, I am going for swim. फिर से वही same reason. Duck ने बोला कि नहीं, मैं help नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे swimming के लिए जाना है. The goose said, no, I am sitting in the सन. गूस ने भी सेम रिप्लाई दिया कि मैं भी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं धूप में बैठा हूँ. द तुर्की सैड नो, आई हैव टू हंट फॉर इंसेक्ट्स. और तुर्की ने भी वही सेम रीज़न दिया कि मुझे इंसेक्ट्स को पकड़ने जाना है, सो आई कांट हेल्प यू. द लिटिल रेड हैन बेक्स द कुकीज ऑल बाय हरसेल्फ. इसके बाद लिटिल रेड हैन ने वो सारी कुकीज़ अपने आप बनाई. सडनली तुर्की डक एंड द गूस हैड कम एंड सेड टू द लिटिल रेड हैन. फिर अचानक से क्या हुआ, तुर्की डक और गूस ये तीनों द लिटिल रेड हैन के घर पर आए और लिटिल रेड हैन से क्या बोले, इट स्मेल्स गुड. Goose says, look at these cookies. और goose ने क्या बोला कि वो cookies को देखो. The duck says, they must be tasty. और duck ने क्या बोला, ये कितनी tasty दिख रही है. Shall we help you eat the cookies? और तीनों ने साथ में बोला, क्या मैं इस cookies को खाने में help कर सकती हूँ? But the little red hen says, no, you didn't help me whenever I asked for the help. द लिटिल रेड हैन ने क्या बोला कि आप इसको खाने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी तब आप सब ने मना कर दिया था. देयरफॉर यू कांट हेल्प मी टू ईट दिस कुकीज़, इसलिए इस कुकीज़ को खाने में आप हेल्प नहीं करेंगे. एंड द लास्ट मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज, दिस स्टोरी टीचेस अस द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्किंग एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेजीनेस. ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि हमें हमेशा हार्डवर्क करना चाहिए. हम हमेशा हार्डवर्क करेंगे तो उसका भी रिजल्ट आएगा, या फिर हम आलस दिखाएंगे या लेजीनेस शो करेंगे तो उसका भी हमें रिजल्ट मिलेगा. सो नाउ माय डियर चिल्ड्रन, हियर वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 5. थैंक यू.